एक ऐसा साग जो गुलामों की तरह पैदा होता है, गेहूं के खेत में अपने आप ही उग जाता है। शायद यही कारण है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स, उसके फायदे बहुत कम लोगों को पता होते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद में पढ़िएगा तो उसे सागों का राजा कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद को अच्छे से पता है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की रेसिपी है बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, यमी, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बथुआ के साग, जिसे कहते हैं सागों का राजा। बथुआ के साग को कई तरह की दालों के साथ मिक्स करके दाल बनाएंगे, जिसे यूपी में, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं सतपैता। और ये दाल बहुत ही टेस्टी, यमी तो होगा ही, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगा, क्योंकि बथुआ के साग के खाने के जितने फ़ायदे होते हैं मैं इसको बनाते आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी को पूरी ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करने के बाद सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ढेर सारी वीडियो रेसिपीज देखनी होगी तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बथुआ के साग और कई तरह की दालों को मिक्स करके एक टेस्टी यम्मी डिश बनाना। तो ये है प्रोटीन, विटामिन, आयरन से भरपूर दाल, जो कि टेस्टी है, यम्मी है और हेल्दी है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं और इसको बनाने के लिए सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, वो है बथुआ का साग। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 6 लोगों के लिए दाल, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया है ये एक पूरा गड्डी बथुआ के साग का। इसको तोड़ लेंगे। ये साग जो है वो गेहूँ में अपने आप ही उपज जाता है और इस साग का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, तो हो सकता है आप इस साग को किसी और नाम से जानते हो। इसको तोड़ के धुल करके बारीक काट लिया है। बथुआ का साग गलने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम 6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग दाल भी लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिया अरहर की दाल 1 मुट्ठी, चने की दाल 1 मुट्ठी। ये बहुत सारे दालों को मिक्स करके बनाते हैं इसलिए ये और ज़्यादा टेस्टी होता है। ये बिना छिलके वाले मसूर की दाल 1 मुट्ठी, उड़द की दाल छिलके वाली 1 मुट्ठी, मूंग की दाल बिना छिलके वाली, पीली मूंग जो है वो 1 मुट्ठी, मूंग की दाल छिलके वाली यानी हरी मूंग की दाल 1 मुट्ठी। तो यहाँ पे हमने ये 6 से 7 तरह के दाल को मिलाया है। आपके पास जितने भी दाल अवेलेबल हो उतने दाल को मिला के आप इसको बना सकते हैं। दाल को अच्छे से धुल लिया है, अब हम तैयारी करते हैं बाकी चीज़ों की। तो सबसे पहले कुकर चढ़ाएंगे और कुकर में डालेंगे देसी घी। घी के बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि घी नुकसान करता है तो मैं आपको बता दूँ कि घी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो घी अगर प्योर है तो ज़रूर खाना चाहिए, घर का बना हो तब तो ज़रूर ही खाएँ। अब घी गरम हो गया है तो हम इसमें डालेंगे हींग। हींग स्वाद को बढ़ाएगा दाल के, और साथ ही साथ चूंकि इसमें बहुत तरह के दाल हैं तो जिन लोगों को एज को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो उनको बहुत इजीली हजम हो जाता है। 1 चम्मच खड़ा जीरा, क्योंकि दाल बना रहे हैं तो उसमें कंपलसरी हींग और जीरा आइटम तो पड़ते ही पड़ते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटे हुए, अदरक और लहसुन कूटा हुआ, या लहसुन और अदरक कटे हुए भी डाल सकते हैं आप, और इसको मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हल्का ब्राउन होने देंगे। तो जब तक कि ये ब्राउन हो रहा है कुछ बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बथुआ का साग जो होता है वो आपके शरीर को और आपके स्किन को डिटॉक्स करता है, साफ करता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है। इवन अमेरिका में इसके तेल से चिनपोडियम तेल बनाया जाता है। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया है बथुआ का साग कटा हुआ, और ये जब दाल बनेगी तो आपके घर के बच्चों को भी ये दाल बहुत पसंद आएगी। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिना किसी वेजिटेबल के सिर्फ दाल और चावल या दाल और रोटी से भी उनको एक भरपूर डाइट मिल जाएगी। इवन बहुत छोटे बच्चे हों उनको भी सिर्फ आप ये दाल पिला सकते हैं। अब इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, उतना जितना कि दाल के लिए ज़रूरी है। हल्दी 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा पीला सरसों है, ये पीला सरसों पिसा हुआ है, सरसों दाने जो पीले वाले आते हैं
वो इसमें डाला है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो सरसों के दाने डालने से ये दाल और ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी हल्दी, मिर्चा, नमक ये तो कॉमन है, जीरा, प्याज, लहसुन, अदरक, हींग ये सभी दाल में कॉमन होते हैं। तो इसको अब अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत देर नहीं पकाना है इसको, क्योंकि हम इसे दाल के साथ पकाएंगे ताकि इसके न्यूट्रिशंस जो हैं वो ज़्यादा ना पकें। तो दाल के साथ पकेगा तो दाल के साथ ही ये ऐड रहेगा इसका न्यूट्रिशंस। और चूंकि इसमें चने का दाल भी है तो गलने में वक्त लगता है, तो बथुआ भी साथ में बहुत अच्छे से गल जाता है। ऐसी बहुत सारी हेल्दी, टेस्टी, ईजी रेसिपी देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। वहाँ आपको कम से कम 500 से ज़्यादा वेज रेसिपी टेस्टी और ईजी मिल जाएगी। अब ये जो हमने 6 से 7 तरह के दाल मिक्स किए थे, धुल करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे। बथुआ का साग जो होता है इसमें कीड़े मारने वाले तत्व होते हैं, यानी हेल्मासाइड होता है, और ये जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उसको ख़त्म करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप छोटे बच्चों को अगर सिर्फ दाल भी पिलाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा और वो बहुत हेल्दी होंगे। तो अब ये देखिए, बस इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर भूनना नहीं है, सीधे इसको दाल की तरह धीमी आँच पर पकाना है। मीडियम फ्लेम तक आप इसको पका सकते हैं। पानी आपको जितनी गाढ़ी दाल पसंद हो उस अकॉर्डिंग डालिए। मुझे मीडियम दाल पसंद है, ना गाढ़ी ना पतली, उस अकॉर्डिंग मैंने इसमें 1 से 1.25 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि बथुए का भी थोड़ा सा पानी छूटता है। इसके बाद इसको बंद कर देंगे, लेकिन अभी ये दाल अधूरी है, इसको पूरा करना बचा है और समय भी बचाना है, क्योंकि ये दाल बनने में पूरी तरह से 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें हो गई तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए एक बर्तन चढ़ाइए और फिर से डालिए घी। अब घी को गर्म होने देंगे और तब तक आप नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ और अपनी डाइट या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो, डाउट्स हो, वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता, जो कि होता है बहुत ही हेल्दी आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, सभी चीज़ के लिए करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और सबसे अच्छी बात कि ये दाल के टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त बढ़ाता है। और 2 खड़ी लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप खड़ी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चुटकी डाल सकते हैं। अब इसको कड़का लेंगे और दाल में 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगने के बाद दाल के कुकर को की तरफ गैस बंद कर देंगे और दाल में ये तड़का मार देंगे। और उसके बाद गर्मा गर्म रोटी, खासकर अगर मोटी रोटी हो या मक्के की, बाजरे की रोटी हो, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। बिना सब्जी के भी सिर्फ ये दाल रोटी और चटनी ये मिल जाए तो स्वाद ही बढ़ जाता है। अब मैंने ये दाल में तड़का दे दिया, अब गर्मा गर्म मैं इस दाल को सर्व करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी हेल्दी लगी होगी और हेल्थ बेनिफिट्स जुगाड़ू लगे होंगे, फ़ायदेमंद लगे होंगे। तो लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स एंड फैमिली से इस रेसिपी को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल का सब्सक्राइब बटन अभी तक रेड दिख रहा होगा तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए।